कांग्रेस पार्टी इस वे चिंता दे विच है क्योंकि लंघे दिन साधु सिंह धर्मसोत की गिरफ्तारी हुंदी है और उस तो बाद रिमांड भी ले लिया जाता है। रिमांड लैण तो बाद विवाद होर ज़्यादा वध गया। ईडी दे वल्लों लगातार ही एक्शन किया जा रहा है। उस बारे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग साफ तौर के उत्ते टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिता है कि ईडी का सीजन चलता पाया और इस सीजन दे विच किन्नू की कर देवे ईडी कोई पता नहीं है। इस दे विच सीबीआई भी है, इस दे विच विजिलेंस भी शामिल है। राजा वड़िंग साफ कह रहे हैं कि चिंता का विषय आया और पता लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी हुण डरी हुई है कि ईडी हुण कांग्रेसियों के उत्ते पुरजोर एक्शन कर रही है। जिथे साधु सिंह धर्मसोत नूं गिरफ्तार कर लिया जाता है उत्थे दूजे पासे हुण बाकी कांग्रेसियों विच भी तरथली मची हुई है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग वल्लों इस बारे टिप्पणी की गई है। दस दईए कि साधु सिंह धर्मसोत के उत्ते वख-वख इल्जाम सन, विजिलेंस वल्लों भी घोखिया गया और उस तों बाद ईडी दे वल्लों भी उसकी घोख की गई है और उहदे नाल नाल गिरफ्तार करके ते रिमांड लै लिया गया। रिमांड लैण तो बाद हुण कांग्रेसी कितने ना कितने घबराए हुए हैं क्योंकि आने वाले समय के विच किहदा नंबर आ जाए यह कोई नहीं जानता। खैर इन चीजों बारे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग आखिर की बोले ने, आओ सुन लैने हैं। ईडी आने वाले दिनों में कांग्रेस के हर व्यक्ति से पूछताछ करेगी। आपको पता ही है साधु सिंह अंदर दे दिए हैं। एक व्यक्ति के ऊपर एक मुकदमे में 3 बार अंदर 7 महीने पहले रह आए, तो जितनी सजा मिल दी जाए तो उतनी तो आगे वो सजा ले आए अंदर। तो मेरे कहने का मतलब ये समा आ गया है। ईडी मौसम चल रहा है, सीबीआई मौसम चल रहा है। जैसे सर्दी आती है, गर्मी आती है, चुनाव के समय ईडी भी आती है, सीबीआई भी आती है, विजिलेंस भी आती है। ये ईडी मौसम है। दरअसल गलत इस्तेमाल हो रहा है सरकारों का और पुलिस का और इन एजेंसियों का। ये नहीं होना चाहिए। ये देश इसके लिए नहीं बनाया गया है। देश इसके लिए बनाया गया था कि हम सब इकट्ठे होके ऑपोजिशन पार्टियां अपनी आवाज उठाएं और उसके मुताबिक सरकारें काम करें और लोगों को तवज्जो दो। ये नहीं है कि जो आवाज उठाए उसको ईडी पकड़ ले, उसको सीबीआई पकड़ ले, उसको विजिलेंस पकड़ ले। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।